त्योहारों का सीजन हो तो मीठे के साथ नमक पारे तो बनते ही हैं। और अगर आप इस बार कुछ अलग फ्लेवर के हेल्दी नमक पारे ट्राई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो नमक पारे हम बना रहे हैं उसमें फ्लेवर के लिए हम लेंगे सूखी लाल मिर्च और मीठा नीम, और इन्हें हम मैदा से नहीं बल्कि सूजी से बनाएंगे। तो सूजी के खस्ता नमक पारे रेड चिली एंड करी लीव्स फ्लेवर के साथ बनाने के लिए चलिए मेरे साथ इंडियन जायका में। तो हम लेंगे 3-4 सूखी लाल मिर्च, जिन्हें क्रश करके उनके बीज अलग निकाल देंगे और फिर उन्हें थोड़े छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर लेंगे। इन्हें बिल्कुल बारीक करके पाउडर नहीं बनाना है, बस थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में इनको तोड़ना है। अब एक बोल में लेंगे 1 कप सूजी और 1/4 कप मैदा, या मैदा की जगह आप आटा भी ले सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च और 8-10 मीठे नीम के पत्ते, जिनको धो करके हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ करके इसमें डालना है। अब इसमें नमक डालेंगे 1/2 चम्मच, लेकिन आप अपने स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें घी या रिफाइंड ऑयल डालेंगे, तो 3 चम्मच मैं इसमें घी डाल रही हूँ, और इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हाथ से इसे इस तरह से रब करते हुए मिक्स करना है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा लगाएंगे। आटा लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि आटा बहुत सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नमक पारे का आटा सख्त होता है और सूजी हमने इसमें डाली है जो पानी बहुत ज्यादा पीती है, तो थोड़ी देर बाद आटा अपने आप ही टाइट हो जाएगा। अब आटे को ढक करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट बाद आटा चेक कर लेंगे, इसे थोड़ा सा गूंध लेंगे, और अगर आटा बहुत ज्यादा टाइट लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो आटा इस तरह का होना चाहिए। अब थोड़ा सा आटा लेंगे और उसकी रोटी बेल लेंगे। रोटी बहुत ज्यादा पतली या बहुत मोटी नहीं बेलनी चाहिए। तो रोटी मिल गई है, इसके पीसेस कट कर लेते हैं। चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। शुरू में तेल अच्छा गरम होना चाहिए ताकि नमक पारे फूले। तो 1 नमक पारा डाल करके देख लेते हैं। तेल गरम है, अब बाकी के नमक पारे भी इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे ताकि नमक पारे अंदर से भी अच्छी तरह से सिके। अब इन्हें हल्के हल्के हाथ से हिलाते हुए लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए कितना बढ़िया इनमें कलर आया है। इन्हें अब तेल से निकाल लेते हैं। नमक पारे बनकर के तैयार हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं। इन्हें देख के कोई नहीं कह सकता कि ये मैदा के नमक पारे नहीं हैं। तो जब इतने बढ़िया नमक पारे सूजी के बन सकते हैं, तो मैदा के क्यों बनाएं? क्यों, सही कहा ना? अगर हाँ तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों और सभी रिश्तेदारों में, ताकि वो भी इस दिवाली हेल्दी ही खाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सी ऐसी और रेसिपीज आनी बाकी हैं। तो चलिए फिर मैं अगली रेसिपी की तैयारी करती हूँ, और आपका इस रेसिपी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।